नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक वैकेंसी निकली है, CHO की वैकेंसी है ना, जो कि है 480 पद है, जो कि माह जनवरी से जून 2024 सत्र के लिए निकली हुई है। इसमें संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद है जो कि सीधी भर्ती है, वो है 500 पद, और CHO की जो पद है वो 480 है। तो इसमें अगर आपको देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा है कि चयन प्रक्रिया क्या क्या इसकी रहेगी। तो चयन प्रक्रिया इसकी जो है वो सामान्य दिशा इसकी हम देखेंगे कैसी। तो श्रेणी और प्रशिक्षण, वार स्थान, लिखित परीक्षा तथा तिथि और ऑनलाइन एडमिट कार्ड, हॉल टिकट की विस्तृत जानकारी के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं, पे जिसकी वेबसाइट है www.nhmmp.gov.in, या फिर आप ऐसा भी सर्च कर सकते हैं https://www.mponline.gov.in पर जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 16 तारीख को जारी हो चुका था, है ना। बाकी जो इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया है वो है 20 तारीख से, इसके आज 20 अक्टूबर से इसका ऑनलाइन जो फॉर्म भराना चालू हो जाएगा और लिंक इसकी ओपन हो जाएगी, जो कि रहेगा 16 अक्टूबर 2023 तक, 16 नवंबर 2023। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता CCH और CHO। CCH रहेगी आपकी प्रशिक्षित प्रवेश परीक्षा, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी BSc नर्सिंग, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, या फिर GNM, या BAMS, तथा 1 सितंबर 2023 की स्थिति में वैध एवं जीवन पंजीयन होना चाहिए। और CHO संविदा CHO के पद की आपकी सीधी भर्ती है। कम्युनिटी हेल्थ एकीकृत कोर्स होना चाहिए, जो कि BSc नर्सिंग में होना चाहिए, और पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होना चाहिए। उत्तीर्ण तथा 1 सितंबर 2023 की स्थिति में वैध एवं जीवन पंजीयन इसमें भी होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या रहेगी। तो इसकी एज लिमिट होने वाली है 21 साल से 40 वर्ष की, जिसकी जन्मतिथि 1/9/2023 की स्थिति में है। और जो कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, और या फिर कोई शारीरिक रूप से दिव्यांग, या फिर तथा महिला अभ्यर्थी को 5 वर्ष की छूट रहेगी, है ना। प्रत्येक वर्ग के में 33% सीट पर महिलाओं का लिए आरक्षित है। उम्मीदवार अपनी अर्हता अनुसार केवल एक प्रकार के प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। और सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ या CCH प्रशिक्षण में चयन और संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर सीधी भर्ती के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। और मानदेय एवं कार्य आधारित प्रोत्साहित, जैसे सैलरी की बात करें, जो मानदेय रहेगा इसका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर संविदा पद, उसकी जो इसकी रहेगी वो रहेगी 28,700 प्रति माह रहेगी। और आधारित प्रोत्साहन राशि इसकी रहेगी 15,000 प्रति माह। अब इसमें हम देख सकते हैं, इसमें कुछ कुछ इसके निर्देश दिए गए हैं। तो केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे इसमें, और किसी और स्रोत के द्वारा या माध्यम से प्राप्त कोई भी इसको हम ये जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और इसका क्या रहेगा कि रिक्त स्थानों के विरुद्ध चयन एवं पदनास्थापना मध्य प्रदेश की राज्य आरक्षण नीति के अंतर्गत नियमों के अधीन होंगे, है ना। अपूर्ण जानकारी या फोटा हस्ताक्षर, आवश्यक दस्तावेज के बिना भरे गए आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। या फिर तो ध्यान रखिएगा, आप भी जब भी फॉर्म भरें तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि आपकी फ़ोटो मान्य होना चाहिए, सिग्नेचर भी आपकी होना चाहिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मांग रहे हैं वो सारे आपके पास होना ज़रूरी होना चाहिए। यदि भर्ती के किसी भी चरण में यह पाया गया कि उम्मीदवार पात्रता की पूरी जानकारी नहीं करता है, और उससे गलत सूचना या प्रमाण पत्र दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, या किसी भी भौतिक तथ्य को छुपाया गया है, तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी सिलेक्शन होता है किसी का, और उसने कुछ कानूनी रूप से या फिर उसके ऊपर कुछ कार्रवाई वगैरह हुई हो, या फिर उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड करवा दिए हो, या फिर गलत डॉक्यूमेंट्स, या फिर जैसे कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स हो गए, और उसको लगाकर वो उस एग्ज़ाम को पास करके वहाँ पर उसका सिलेक्शन भी होता है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय उसको क्या कर दिया जाएगा, उसका निरस्त कर दिया जाएगा। और इसकी भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण में भर्ती में संबंधित किसी मामले में NHM मध्य प्रदेश का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। चयन पूरी तरह से ऑनलाइन लिखित परीक्षा पर आधारित होगा, है ना। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पास रिक्त पदों की संख्या में बदलाव, नियमों में संशोधन और चयन के किसी भी प्रक्रिया में परिवर्तन संशोधन का अधिकार है। ऐसा कोई भी संशोधन मान्य गणना के लिए 1/9/2023 की संदर्भ तिथि के रूप में लिया जाएगा। ये था कुछ इसके नोटिफिकेशन जो कि इसमें रहेगा, है ना। तो ये जो आपको मैंने बताया, ये इसका नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसकी एग्ज़ाम जो है वो 2023 की वैकेंसी है, और कौन करवाता है, अथॉरिटी किसके पास है, नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश के पास। टोटल वैकेंसी जो निकली है वो 980 पद है ना। पोस्ट नेम क्या क्या, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का है ना। और एज लिमिट इसकी क्या है, 21 से 40, जैसे मैंने आपको बताया है।
एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरना चालू होंगे, 20 अक्टूबर से इसके फॉर्म चालू होना भरना चालू हो जाएंगे। और जो एप्लीकेशन का जो मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। और इसमें हर किसी को डाउट रहता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो इसके जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बता रहे हैं वो है आधार कार्ड लग रहा है, डोमिसाइल लग रहा है मतलब आपका निवासी, और जाति प्रमाण पत्र लगेगा, और सिग्नेचर आपकी खुद की होना चाहिए, और जो फोटोग्राफ है वो वैलिड फोटोग्राफ होना चाहिए, या फिर मतलब जैसे कि व्यापम से होता है तो क्या होगा कि इसके पिछले 3 महीने की फोटो नहीं होना चाहिए, इस मंथ की ही फोटो होना चाहिए, है ना। और जो इसका जो फॉर्म एप्लीकेशन की जो लास्ट तारीख है वो 16 नवंबर 2023 है। सैलरी की बात जैसे हमने पिछले उसमें किया था नोटिफिकेशन में, तो 28,700 इसकी सैलरी है ना। बाकी अगर इसका अधिक जानकारी आपको इसकी चाहिए तो आप एमपी ऑनलाइन की गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आप जाकर इसको देख सकते हैं। बाकी इसमें यह है कि आप हर किसी को डाउट रहता है कि हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसने जैसे बताया है कि भाई क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए, बीएससी नर्सिंग होना जरूरी है, मतलब हो सकता है परस्यूइंग में नहीं डाल सकते, बीएससी नर्सिंग पास आउट होना चाहिए। और डिग्री के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अभी के स्टूडेंट होगा जिनका अभी इस मंथ में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तो वो डिग्री को अप्लाई करवा दीजिए, और डिग्री का जो नंबर रजिस्ट्रेशन का जो नंबर होता है रेफरेंस नंबर, या फिर उसके अनुसार आप वो रिसिप्ट भी लगा सकते हैं इसमें, तो आपके पास नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए। और अगर कोई सीएनएम वाला डालना चाहता है तो उसके पास पोस्ट बीएससी होना कंपलसरी है। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे ऐसे हेल्पफुल नोटिफिकेशन या फिर वैकेंसी की डिटेल्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।